पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने शुक्रवार को हुई पत्र परिषद में शनिवार और रविवार को पूरे बाजार बंद रखने के आदेश जारी करने की जानकारी दी। इस आदेश के बाद शहर के सभी व्यापारी संगठनों ने सरकार और जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए पूरा बाजार बंद रखा, जिसका जायजा नितिन राउत इन्होंने लिया, जिस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी समेत पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार भी उपस्थित थे। जिले में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने से राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भीड़ पर नियंत्रण लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। शहर के इतवारी सदर, गांधीबाग, महल, सक्करदरा, धर्मपीठ, गोकुलपीठ, सीताबड़ी, कमाल चौक, इंदौरा, गिट्टी खदान आदि सहित सभी क्षेत्र में 100% बाजार बंद रहे। लोगों ने स्वयं इस आदेश का पालन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। बाजार और कई चौराहों पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आए। सदर में कई वाहन चालकों के चालान कटे। हालांकि सड़कों पर वाहन चालकों की आवाजाही जारी रही, परंतु रोज की तुलना में थोड़ी भीड़ कम रही। इस संपूर्ण स्थिति का जायजा लेने पालक मंत्री नितिन राउत खुद सड़कों पर उतरे, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा और साथ ही उन्होंने मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद भी अदा किया। और उसकी बढ़ती संख्या को नजर में रखते हुए हमने शनिवार और इतवार को पूरा बंद करने का, मार्केट बंद करने का निर्णय किया। और उस कारण मैं आज देखने के लिए निकला था यहाँ पर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने काफ़ी चोक व्यवस्था बजाई है और अच्छे से शांततापूर्ण ढंग से लोग अपने घरों में ही अपने आप को सीमित कर उन्होंने रखा है। आखिर में जनता की जान बचाना, उनकी सुरक्षा करना ही हमारा ध्येय होता है सरकार करके, और पूर्ण रूप से उसे करने के लिए हम तत्पर हैं। इस वक्त पेट्रोल पंप पर भी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। हालांकि बस स्टैंड परिसर में ऑटो का जमावड़ा दिखाई दिया, लेकिन यात्रियों की संख्या कम रही। बाहर गांव से आने वाली बसें भी कम दिखाई दी। इन सारी चीजों को मिला के ये चीज कही जा सकती है कि नागरिकों द्वारा शनिवार के बंद को मिला जुला प्रतिसाद मिला। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज, नागपुर।